हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने पनीर की एक ऐसी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप सबको पसंद आएगी और आप इसे रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। वैसे तो आपने पनीर भुर्जी बहुत बार खाया होगा, पर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे मेथी डाल करके, तो ये आप सबको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और उसके गर्म होते ही हम उसमें जीरा डाल देंगे और फिर हरी मिर्ची डाल देंगे कुछ सेकंड्स के बाद। और हरी मिर्ची के कलर चेंज होते ही हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को हम लगभग 3 से 4 मिनट के लिए सॉटे करेंगे इसमें, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, हल्का सुनहरा ना हो जाए। और उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे प्याज के साथ। और उसके बाद हम इसमें लगभग 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर को हम चला लेंगे अच्छे से और टमाटर जल्दी से कुक हो जाए उसके लिए हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर जल्दी कुक हो जाता है। और उसके बाद हम इसमें और मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें चॉप किया हुआ मेथी डालेंगे और मेथी को हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि मेथी अच्छे से श्रिंक ना कर जाए, ये क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ये देखिए, इसकी क्वांटिटी पहले से कम हो गई है। और अब हम इसमें क्रम्बल किया हुआ पनीर डालेंगे। आप देख सकते हैं, इस पनीर को हमने हाथों से पीसेस में तोड़ लिया था इस तरह से। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से तोड़ लिया था और उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम ग्रेट नहीं करेंगे। ग्रेट करने से क्या होता है, ये फिर बहुत ही ज़्यादा बारीक जैसा हो जाता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसे हम हाथों से ही तोड़ तोड़ के डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं करना है, बस लगभग 1 मिनट के लिए हम इसे मसालों के साथ मिक्स करेंगे। और हमारा मेथी पनीर भुर्जी तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों, मेथी पनीर भुर्जी हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, इसे आप रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।